कहते हैं कि अपना हर एक दिन खास बनाने का खुद से वादा कर लो तो जिंदगी बहुत ही हसीन हो जाती है, पर ये वादा निभाना इतना आसान भी नहीं होता। तो निभाओ मत, क्योंकि खास हो तभी तो ये जिंदगी मिली है। अट्ठाईस अगस्त 2023 को मैं ऋषिकेश पहुंचा। दरअसल गया तो था एक ब्रांड प्रमोशन के लिए, लेकिन थोड़ा फ्री होकर जब यहाँ के घाट पर पहुंचा तो धन के मोह से आध्यात्म के मोह में मेरी एंट्री हो गई। तो स्कूटी रेंट पर ले ली है मैंने और तैयार हो गया हूँ, पेट्रोल भी भरवा लिया है। सो अब चलते हैं ऋषिकेश के लिए। कोई कष्ट नहीं प्रभु, अभी केदार बद्री जाके हैं पैदल, अमरनाथ गया था पैदल, वैष्णो देवी नैना देवी, अभी 4 महीने हो गया पैदल चलते हुए। अभी आया हूँ यहाँ पे, अभी वृंदावन से आ रहा हूँ मैं, सारे धाम करके गंगोत्री जमोत्री सब हो गए, 5 केदार भी हो गया, 5 बद्री भी हो गई हमारी पूरी, 12 ज्योतिर्लिंग भी पूरा हो गया हमारा। पता नहीं कैसे हो गया, प्रभु का लीला है, मुझे कोई पता नहीं प्रभु। हम लोग सोचते हैं कि जाएं, प्लान करते हैं, पूरी पूरा तरीका बनाते हैं। जो भगवान के मन में बसता है वो अपने आप ले जाता है। गंगा आरती तो मेरे छोटे से शहर में घर से आधा किलोमीटर दूर भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो स्पिरिचुअल वाइब्स थी वो मुझे कहीं ना कहीं मुझसे घाट पर बातों बातों में समय का पता न चला, पर जब पेट ने भूख की तरफ इशारा किया तो कुछ खाने की तरफ पांव खुद ही चल पड़े। और मेरा पेट पूरी तरह से खाली हो चुका है। सही बात है, टहलते टहलते खाली हो गया है पूरा पेट। ऋषिकेश की मेरी अगली सुबह हुई यहाँ के जानकी ब्रिज से, लेकिन इसी के बगल में जब मोक्ष धाम पर नजर गई तो बस खुद से यही कहा कि भाई जिंदा है तू तो बस जी ले। थोड़ी सी धूप में मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, ये जानकी ब्रिज पर, ये जानकी झूला भी कहते हैं, और ये सबसे पहला ब्रिज पड़ता है जहाँ पर जब आप हरिद्वार में आते हो, उसके बाद आपको वहाँ दूर शायद दिखाई दे रहा हो या नहीं दिखाई दे रहा हो राम झूला है, और उसके बाद लक्ष्मण झूला पड़ता है। जो सामने आप देख रहे हैं स्वर्ग आश्रम है, परमार्थ निकेतन है, इसको ये भी कनेक्ट करता है। और ख़ास बात इस ब्रिज की ये है कि ये मोटरेबल ब्रिज है, मतलब इस पर गाड़ियां वगैरह जा सकती हैं, और गाड़ियां लेकिन केवल 2 व्हीलर जाएगी, 4 व्हीलर इस पर नहीं जाती है। तो काफ़ी आसानी हो जाती है अगर आप 2 व्हीलर रेंट करके ऋषिकेश में घूम रहे हैं, तो आसानी से आप इस पार से उस पार जा सकते हैं और उधर भी एक्सप्लोर अच्छे से कर सकते हैं। खैर ऋषिकेश में मेरा आवागमन तो कई बार हुआ था, लेकिन यहाँ के बीटल्स आश्रम में कभी जाना नहीं हुआ था, तो बस स्कूटी उठाई और चल पड़ा बीटल्स आश्रम। मैं आ गया हूँ 84 कुटिया में। वैसे तो इस जगह का नाम फेमस है बीटल्स आश्रम के नाम से, ऐसा क्यों है वो भी बताऊंगा। तो शुरुआत में कुछ इस तरह का दिखने लगा है। एंट्री फीस भी आपको मैं बता देता हूँ, 150 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फीस आपको यहाँ पर देनी होती है। और 84 कुटिया इस जगह का क्यों नाम है वो भी ये देख के आपको खुद ही पता चल जाएगा। बीटल्स आश्रम बहुत इम्पोर्टेंट नेम कैसे बन गया वो मैं बताता हूँ। दरअसल यहाँ पर एक बीटल्स बैंड था जो कि काफ़ी पॉपुलर बैंड था, और वो यहाँ पर आया था और विज़िट किया था। उसके बाद से ऋषिकेश को और बीटल्स आश्रम को काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनली पॉपुलरिटी मिली, लोग जाने, तो वो विज़िट किए थे और उन्हीं की वजह से यहाँ का नाम बीटल्स आश्रम पड़ गया। तो चलते हैं यहाँ की एक कुटिया में और देखते हैं कुटिया कैसी है। ये है डोर और यहाँ से एंट्री करते हैं।
अंदर का स्ट्रक्चर कोई कच्चा वाला तो नहीं दिख रहा है, प्रॉपर अलमारियाँ बनी हुई हैं और एकदम प्लेन दीवारें हैं यहाँ पर, और सीढ़ियों के स्टेप्स आप ऐसे देखो कुछ यूँ बनी हुई है। तो चलते हैं थोड़ा सर को बचाकर। तो अब इसमें उतनी मेंटेनेंस नहीं रहेगी, ये टूटा फूटा सा है। पर यहाँ पर अब देखो ये एक तरह से कुटिया की छत पर मैं आ गया हूँ। तो यहाँ इस छोटे से दरवाजे से निकला मैं और छत पे आ गया, और यहाँ पे इस तरह ये दिख रही है। तो बड़ी ही मज़ेदार सी और इंटरेस्टिंग सी फैक्टफुल सी प्लेस है, यहाँ पर आना ज़रूर। ऋषिकेश में जब आप जानकी झूला, राम झूला या लक्ष्मण झूला को क्रॉस करते हैं तो दूसरे छोर पर आते ही आपको ढेरों आश्रम दिखते हैं, और इस पूरे छोर को स्वर्ग आश्रम के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत भी कई सारे आश्रम आते हैं। जानकी झूला क्रॉस करते ही आपको असली ऋषिकेश देखने को मिलता है, जहाँ पर सभी आश्रम वगैरह बने हुए हैं। फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं ये है यहाँ का परमार्थ निकेतन। इवनिंग में यहाँ पर बहुत ही भव्य गंगा आरती होती है, और हर रोज़ ही होती है, और ये परमार्थ निकेतन का आश्रम है। तो ये आप देख सकते हैं, राम झूला के बिल्कुल करीब में आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे फिलहाल भीड़ भाड़ जो दिख रही है ये भीड़ भाड़ हुई है, भंडारा चल रहा है, प्रसाद मिल रहा है। मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से। अच्छा, तो मैंने भी आपको देखा, तो मैंने कहा एक बार मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि मैं जब भी घूमने जाती हूँ आपकी वीडियो जरूर देखकर जाती हूँ। बहुत बढ़िया। एक फोटो ले लेंगे। हाँ जी। ऋषिकेश की ये घाट वाली वाइब्स हो या फिर यहाँ प्रकृति के बीच रहकर योगा करना हो, हर किसी को आकर्षित जरूर करती है, क्योंकि यहाँ कुछ तो बात है जो शायद मैं नहीं आप ही अपने शब्दों में यहाँ आकर बता सकते हैं। राम झूले पर आप आ गए हो, तो राम झूले के किनारे एक बहुत बढ़िया सा घाट है, ये रहा राम झूला, यहाँ से दिखता है, और उसके बगल में है ये घाट। यहाँ पर लोग शाम को शांति से बस बैठ जाते हैं और गंगा किनारे की ठंडी ठंडी सी हवा को फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो ये आप नीचे भी जा सकते हो, घाट पूरा यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से देखो आप। बाकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने के लिए यहाँ पर भीड़ भाड़ भी लग जाती है, क्योंकि पीछे आता है बढ़िया सा ब्रिज और यहाँ पर है बढ़िया सा व्यू। स्वर्ग आश्रम के एरिया में ही चहलकदमी मैं कर रहा हूँ, और अब बढ़ रहा हूँ एक ऊंचाई पे, काफ़ी मंदिर मुझे दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि चलना चाहिए उधर, अगर गाड़ी जाती है तो ज़रूर जाऊँगा। दरअसल जो मंदिर मुझे दूर से दिख रहा था वो यहाँ का भूतेश्वर महादेव मंदिर था, और यहाँ तक पहुँचने के लिए पैरों को थोड़ा सा कष्ट भी देना पड़ता है, क्योंकि भोलेनाथ यहाँ थोड़ी ऊंचाई पर निवास करते हैं। ऋषिकेश में कुछ छुपे हुए वाटरफॉल्स भी हैं, और तपोवन से 1 किलोमीटर दूर एक वाटरफॉल है जिसका नाम ही सीक्रेट वाटरफॉल है। परमार्थ निकेतन के अभी मैं बैठा हुआ हूँ एक प्रांगण में, और यहाँ पर वैसे तो हवन कुंड बने हैं, हवन वगैरह होता है पूरा, कुछ ऐसा ये प्रांगण है। फिलहाल कुछ हवन वगैरह नहीं हो रहा है, और सब यहाँ पे जो आसपास सब बैठे ही हुए हैं, यूं ही बरगद के पेड़ है, पेड़ की छांव है, थोड़ी गर्मी का मौसम है तो हल्की हल्की हवा चल रही है, ठंडक लग रही है, तो अलग ही अनुभूति हो रही है। गंगा किनारे ये आश्रम बना हुआ है, मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है ये फीलिंग, बस फीलिंग ही है, कुछ है ही, बस एक अलग ही कुछ है, क्या ही बोलूँ मैं, सुकून है, यही एक शब्द है फिलहाल मेरे पास। यहाँ कितने ही ऐसे आश्रम हैं जहाँ फ्री में रहने खाने की सुविधा मिल जाती है, और ये सब देख के लगता है कि जिंदगी इतनी भी तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये हमारा भारत ही है, जहाँ कोई भूखा है तो उसके लिए यहाँ गुरुद्वारे से लेकर ढेरों आश्रम भी हैं। तो निराश हताश होने के बहुत से कारण होंगे, लेकिन इसी जिंदगी में
खुश रहने के भी बहुत से कारण मिल जाएंगे, बस तलाशने की जरूरत होती है।